दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने पर उद्योग जगत को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उद्योगपति परेशानी झेलने को तैयार है क्योंकि गुरुग्राम में बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्योगपतियों का मानना है कि दिल्ली की वजह से गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में उद्योगपति कोरोना वायरस में डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव से खास बातचीत की। उद्योग जगत तो खोल दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है। इस पर उद्यमियों को कितनी परेशानी हो रही है, इन बॉर्डर सील होने से क्या कुछ नुकसान हो रहा है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव जी। पवन जी, जिस तरीके से फिर दोबारा से बॉर्डर सील कर दिए हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? देखिए, परेशानी तो काफ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से डिस्कनेक्ट होके हरियाणा या गुड़गांव में कारोबार बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन हम उन परेशानियों को झेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि दिल्ली में आज आप देखोगे केस ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास है, और हरियाणा में अगर आप गुड़गांव जो सबसे कनेक्टेड है और फरीदाबाद वहाँ देखोगे तो आप सैकड़ों में ही है। वो हाँ, हज़ार भी हमने टच नहीं किया दोनों शहरों को मिला दे। तो हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से किसी एक परिवार में एक सदस्य को अगर पॉजिटिव होता है तो उसको भी हम आइसोलेट करते हैं, क्वारंटीन करते हैं। तो आज अगर हमारा दिल्ली शहर में ये संक्रमण या इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उस शहर को भी अगर आइसोलेट करना जरूरी है तो हम सरकार के साथ हैं और ये एक अच्छा डिसीज़न है। अदरवाइज़ क्या होगा, जाने अनजाने में एक शहर से दूसरा शहर, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद या सोनीपत, इसके चारों तरफ सभी शहरों में ये इन्फेक्शन फैलेगा और दिक्कतें बढ़ेगी। तो आइसोलेट कर दो कम से कम एक शहर में और वहाँ पे उस पर आराम से काबू पाया जा सकता है। तो आप किस तरह ऑर्डर दे रहे हैं, आप किस तरह बातचीत कर रहे हैं जो भी आपके? देखो, आज की डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया करके बहुत बड़ा लेवल पे इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया था, वो चीज़ बहुत अच्छे से काम आ रही है। आज लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे हम अपने प्लांट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और मैं सभी दिल्ली से आने वाले एम्प्लॉयज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने काम को, अपनी चीज़ों को मॉनिटर कर लीजिए। थोड़े दिन आप गुड़गांव ना आइए, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी, आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जहाँ आप काम करते हो या जो इंडस्ट्री आपकी खुद की है, ताकि वो लोग वहाँ पर आएंगे, कहीं इन्फेक्शन फैलेगा और वो चीज़ें फिर लंबी जाएंगी। अगर वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, चीज़ों को संभालते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक श्रमिकों की काफ़ी दिक्कत है क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा श्रमिक जो है गुरुग्राम में काम करते हैं, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो क्या काम में परेशानियाँ हो रही हैं आपको इंडस्ट्री चलाने में? हाँ, थोड़ी हो रही है, बट हम उसको झेल लेंगे। देखो, बट कोरोना को बढ़ावा देना या हमारी किसी ऐसी एक्टिविटी से वो बढ़ता है तो वो ज़्यादा दिक्कत है। देखो, हमने तो पीछे भी एक स्लोगन चलाया था कि हमें काम पे जाना है और हम बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं कोरोना से। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने आप में इतने इक्विप्ड हो जाए कि कोरोना हमसे घबराए। हम मास्क पहन के बात करेंगे, मास्क पहन के जाएंगे कंपनीज में, सैनिटाइजेशन करेंगे, टनल्स लगाएंगे, तो हालात ये होंगे कि कोरोना ही घबरा के भाग जाएगी कि उसकी यहाँ पर पार नहीं होने वाली। क्या लग रहा है कि उद्योग जगत अभी पटरी पर पूरी तरह से आ पाया है? बिल्कुल आ रहा है धीरे धीरे। आप बात करो 100% की तो नहीं आ रहा, हाँ धीरे धीरे लगभग 30% तक चीज़ें हो चुकी है। आप भी इंडस्ट्रियल एरिया में जा ही रहे हो, हर जगह चारों तरफ आपने देखा होगा पूरी हलचल है, चारों तरफ चीज़ें जीवंत हैं और काम, कारोबारी, वर्कर सब लोग काम पे लौट रहे हैं। और हमने जो मुहिम चलाई थी उसका भी 2-3% तक असर दिखा है। हमारे अलग अलग लोगों से बात हुई इंडस्ट्रीज़ में वर्कर से, तो उन्होंने खुद भी सोचा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, क्यों जाएँ, तो लोग टिक के काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में दो ही दिन में 200 के लगभग मामले आ गए हैं। एक दिन में 115 मामले आए हैं कल ही, और इससे पहले 68 मामले एक ही दिन में आए हैं। तो क्या इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि काम तमाम श्रमिक भी यहाँ काम करते हैं, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव ऐसे में श्रमिक निकल जाता है तो आप लोगों को भी परेशानी होगी, तो इसके लिए किस तरह के खास इंतजाम आप लोगों ने किया? देखो, अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो हमने सबको, सारी इंडस्ट्रीज़ को भी रिक्वेस्ट किया कि सैनिटाइजेशन पे, डिसइंफेक्शन पे पूरा ध्यान दे और अच्छे इक्विपमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने भी आपने देखा होगा कि डेली लोकल प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी सैनिटाइजेशन या सैनिटाइज़र बना रहे हैं। तो हमें वो भी जाँच करना है कि जिसको हम सैनिटाइज़र समझें, पता चले कहीं नीला पानी तो नहीं है या वो हरा और लाल पानी तो नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छे खरीदने चाहिए। और देखो, कोरोना कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ऐसी बीमारी है, जो लापरवाही करेगा उसी के घर आएगी वो,
उसी की फैक्ट्री में आएगी, तो आप जितना सजग रहोगे आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो आपसे दूर रहेगा। जहां लापरवाही की, आज 115-168 जो लोग आ रहे हैं वो लापरवाही का ही नतीजा है हमारा। लॉकडाउन 4 अब खत्म होने वाला है, मात्र एक दिन शेष रह गया है, ऐसे में लॉकडाउन 5 की शुरुआत सरकार करने वाली है, किस तरह का होना चाहिए, आपकी क्या राय है, सरकार को किस तरीके से पूरा प्लान तैयार करना चाहिए? देखो, अभी सरकार ने पिछले और 15 दिन में, 2 वीक का ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन 4.0, उसमें और देखा होगा कोरोना की भी परिस्थिति, कोरोना का प्रसार प्रचार कैसे हो रहा है और लोगों का रिएक्शन, उस बेस पे सरकार ने कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाई होगी। और हम तो ये चाहेंगे लॉकडाउन 4.0 को ही वो दोबारा से अप्लाई कर दे, थोड़ी सावधानियों के साथ हम आगे काम करते रहे। देखो, पूरी तरह छूट देना तो कहीं ना कहीं लापरवाही आएगी लोगों में, जितनी ज़्यादा छूट मिलते लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अंकुश भी रहना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और अलग अलग जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग्स और दुकानों के खोलने ना खोलने या शॉपिंग मॉल्स या पब्लिक गैदरिंग तो बिल्कुल बंद ही रहेगी, ऐसा हम मानते हैं। अभी आपको लगता है कि मेट्रो सेवा जिस तरीके से कहा जा रहा है शुरू हो सकती है, इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल है, मॉल्स हैं, क्लब हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, क्या लगता है कि इन पर रोक लगनी चाहिए अभी लॉकडाउन 5 में? बिल्कुल लगनी चाहिए और सरकार लगाएगी भी, सरकार हमारी जागरूक है, वो ये सारे हर पहलू पे पूरी तरह से चेक कर रही है कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे खोलना है। और पब्लिक गैदरिंग या मेट्रोज मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि खुलेंगी, ना ही क्लब्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खुद उद्योगपतियों का ये मानना है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने जो बॉर्डर सील करने का जो निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है और सरकार को इसी तरीके से एहतियाती कदम उठाते रहना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।